नमस्कार, विभिन्न समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। राजनाथ बोले, पाक से अब पीओके पर ही होगी बात। जम्मू कश्मीर में हाल ही की हिंसा में अशांति के लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में कहा कि दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर को भारत से अलग नहीं कर सकती तथा पड़ोसी के साथ पाक अधिकृत कश्मीर पर ही बातचीत की जाएगी। सरकार ने यह भी घोषणा की कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर 12 अगस्त को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिए जनता से सुझाव मांगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पर दिए जाने वाले अपने भाषण के लिए जनता से सुझाव मांगे हैं। सुझाव मांगने से संबंधित संदेशों को कुछ सरकारी वेबसाइटों पर डाला गया है। संदेश में कहा गया है कि लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस का भाषण संभवतः इस साल का सबसे महत्वपूर्ण भाषण है। मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण को तैयार करने के लिए सीधे नागरिकों से विचार और सुझाव आमंत्रित करके ट्रेंड सेट किया है। यह प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी का स्वतंत्रता दिवस पर तीसरा भाषण होगा। जयललिता ने लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर श्रीलंकाई नौसैनिकों द्वारा गिरफ्तार किए गए 4 भारतीय मछुआरों सहित 103 नौकाओं को छुड़ाने के लिए उनके व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की है। 9 अगस्त को लिखे अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि हालिया घटना में पुडुकोट्टई जिले के जगतपट्टिनम से 4 मछुआरे यांत्रिक नौका से रवाना हुए थे, जिन्हें सोमवार को श्रीलंकाई नौसैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा है कि इस तरह की गिरफ्तारी रोकने को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा श्रीलंका को एक स्पष्ट संदेश दिया जाए। सीरिया में विद्रोहियों की गोलीबारी में 12 लोगों की मौत। सीरिया में सरकारी नियंत्रण वाले उत्तरी शहर अलेप्पो में विद्रोहियों की गोलीबारी में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से अधिक लोग घायल हो गए। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विद्रोहियों ने बुधवार को अलेप्पो के हमदनीय जिले में गोलीबारी की। घटना के समय इलाके में सेना अथवा पुलिस बल मौजूद नहीं था। गोलीबारी में 12 लोग मारे गए तथा 40 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कुछ मृतकों के शव अत्यधिक गोलियां लगने से बुरी तरह जले पाए गए। इससे पहले गत 31 जुलाई को अलेप्पो में विद्रोहियों के हमले में 142 लोग मारे गए थे, जिनमें 31 महिलाएं और 48 बच्चे भी शामिल थे। यौन उत्पीड़न का आरोपी मोरक्को का मुक्केबाज हसन सादा रिहा। ओलंपिक खेल गांव में 2 महिला कर्मचारियों के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपों में गिरफ्तार किए गए मोरक्को के मुक्केबाज हसन सादा को ब्राजीली जज ने रिहा कर दिया है, लेकिन उन्हें बिना इजाजत के फिलहाल ओलंपिक गांव छोड़ने की अनुमति नहीं मिली है। 22 वर्षीय हसन इस कारण से ओलंपिक में अपने 81 किलोग्राम हैवीवेट वर्ग में भी खेलने नहीं उतर सके थे। उनका मुकाबला 6 अगस्त को था, जबकि उन्हें एक दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया था। उनकी गैर मौजूदगी में तुर्की के मेहमेत नादिर उनाल को वॉकओवर मिल गया था। ये थे अब तक के मुख्य समाचार, और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।